दोस्तों आप देखिए, मेरे पास ये थोड़ा सा डेटा है। मुझे ये डेटा ना अपर केस लेटर्स में कन्वर्ट करके प्रिंट करना है। अब डेटा बहुत ज्यादा होगा तो कैसे करोगे, बहुत सारे कॉलम्स में डेटा होगा तो कैसे करोगे। अभी तो इसके लिए हम अपर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं अपर केस में चेंज करने के लिए, बट एक सिंपल सी ट्रिक है जो आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है। जो भी आपका डेटा है ना उसको कर लो आप सिलेक्ट। मैंने कंट्रोल ए प्रेस करके ये पूरी टेबल कर ली है सिलेक्ट। आपको होम टैब में यहाँ फॉन्ट्स में जाना है। यहाँ पे ना आपको अपर केस के कुछ फॉन्ट मिल जाते हैं जिनका आप यूज करके डेटा को बिना किसी फॉर्मूला के अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे ये एक फॉन्ट दे रखा है। आप रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हो, अपर केस में डेटा आ गया और ये देखिए अपर केस में आ गया। क्लिक कर दीजिए, डेटा अपर केस में है। प्रिंट करोगे अपर केस में ही ये आएगा। यहाँ पे मुझे नेम्स की एंट्री करानी है। मैं यहाँ सेल पे क्लिक करूंगा ना एंट्री करने के लिए, तो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, प्लीज एंटर नेम इन अपर केस ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी कोई एंट्री करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि एंट्री अपर केस लेटर्स में करनी है। तो इस तरह से सेल मैसेज कैसे आप लगा सकते हो, मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी मैसेज आपको लगा के दिखाता हूँ। मैंने रेंज कर ली सिलेक्ट, डेटा टाइप पे जाना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है और यहाँ सेटिंग पे जाके कोई भी वैलिडेशन सिलेक्ट नहीं करना है, एनी वैल्यू रहने देना है। इनपुट मैसेज पे जाके यहाँ पे मैसेज आपको टाइप कर देना है, फिर जाके यहाँ पे मैसेज आपको टाइप कर देना है। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा इन्फो और यहाँ पे कोई भी मैसेज आपने टाइप कर दिया, ओके कर दिया, तो जब भी इस रेंज में किसी भी सेल पे हम करेंगे क्लिक तो ये मैसेज जो है हमने सेट किया वो दिखाई देगा। अगर आपको ये हटाना है तो आप सिलेक्ट करके डेटा पे जाओगे, डेटा वैलिडेशन पे जाओगे, क्लियर ऑल करके ओके कर देना, तो यहाँ से वो मैसेज सेल मैसेज डिलीट हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पे सेल सिलेक्ट करके इसके बीच में कुछ लिखना है तो इसके लिए हम सेल्स को मर्ज करेंगे फिर सेंटर करेंगे, मतलब मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पे कुछ भी हम सेंटर में लिखेंगे। बट बिना मर्ज किए भी, बिना सेल्स को मर्ज किए भी डेटा हम सेंटर में कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपको यहाँ पे बीच में कुछ लिखना है बट सेल मर्ज नहीं करनी है, तो सिलेक्शन हम कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे पहले कुछ लिख लीजिए, मैंने यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट रिकॉर्ड लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया एस आर स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब मैंने इस रेंज को कर लिया सिलेक्ट, ये एस आर मेरे को सेंटर में चाहिए बिना मर्ज किए, तो सेल कर लिए सिलेक्ट, राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे फॉर्मेट सेल पे, यहाँ पे अलाइनमेंट टैब पे हम जाएंगे और यहाँ हॉरिजॉन्टल वाली ड्रॉप डाउन से हम ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, कि जो भी सिलेक्शन हमने कर रखा है उसके बीच में जो है टेक्स्ट आ जाए, तो बस ओके कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो एसआर था वो सेंटर में आ गया जो भी हमने सिलेक्शन किया था, बट यहाँ पे सेल मर्ज नहीं है। अब इस चीज की बहुत जरूरत हमें पड़ जाती है जब हम फॉर्मुलेज लगाते हैं, क्योंकि अगर फॉर्मुलेज में हम कोई रेंज देते हैं ना तो वहां पे बीच में मर्ज सेल एक्सेप्ट नहीं करता है फॉर्मूला। तो उस केस में अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो बिना सेल को मर्ज किए भी आप ये काम कर सकते हो। यहाँ पे ना ये कुछ एम्प्लॉय के नेम लिखे हुए हैं। अब होगा क्या, जैसे ही मैं किसी नेम पे कर्जर लेके जाऊंगा तो उसकी पिक्चर साइड में अपने आप दिखाई दे जाएगी। कर्जर मैं यहाँ से हटाऊंगा तो पिक्चर हाइड हो जाएगी। तो ये बहुत काम की ट्रिक है, बहुत काम आती है एक्सेल में। अभी मैंने नेम पे कर्जर लाने पे एम्प्लॉय की फोटो दिखाई है, मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी पे आपको एम्प्लॉय की फोटो दिखानी है या फिर यहाँ पे साइड में आधार कार्ड के नंबर्स लिखे हुए हैं, आप किसी भी आधार कार्ड के नंबर पे कर्जर लेके जाओ तो उसका पूरा आधार कार्ड दिखाई दे जाए, तो इसके लिए ये जो ट्रिक है ये बहुत काम आती है। देखिए ये कैसे लगाएंगे, मैंने दो सेल्स पे लगा रखा है, तीसरे सेल पे मैं आपको लगा के दिखाता हूं। तो हमने सेल पे करना है क्लिक, रिव्यू टैब पे जाना है और यहां से न्यू कमेंट पे क्लिक करना है, तो ये बॉक्स आ जाएगा, इसमें जो भी लिखा हुआ इसको हम हटा देंगे, इसकी लाइन पे क्लिक करेंगे, लाइन पे एक बार सिंगल क्लिक करेंगे, दोबारा राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहां पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर्स एंड लाइंस पे जाएंगे और यहाँ पे कलर के सामने ये एक ड्रॉप डाउन है, इसको ओपन करेंगे, इसमें नीचे जाएंगे फिल इफेक्ट पे और यहाँ पे पिक्चर वाले टैब पे जाएंगे और यहाँ से पिक्चर कर लेंगे सिलेक्ट। जो भी पिक्चर आपको लगानी है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए, काम हो जाएगा। इसका थोड़ा साइज आप सेट कर लीजिए जैसे भी आपको करना है इस तरह से, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पे तीसरे सेल पे भी लगा दिया, अब आप देखिए यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे ये पिक्चर आ रही है और यहाँ पे
ये पिक्चर आ रही है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से ये हटानी है तो क्या करोगे आप, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे एक ऊपर ऑप्शन है डिलीट का, आप डिलीट पे क्लिक करोगे तो जो कमेंट आपने लगाई है वो आपकी कमेंट डिलीट हो जाएगी। सारी पिक्चर्स एक साथ देखनी है तो यहाँ पे शो ऑल कमेंट्स का ऑप्शन है, ये पिक्चर्स दिखाई दे जाएंगी। हाइड करना है तो दोबारा से यहाँ पे क्लिक कर देना, पिक्चर्स हाइड हो जाएंगी। तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आ सकती है। इसके बाद ये अगली ट्रिक आप देखिए, मेरे पास ये डेटा है, मान लीजिए मुझे इस डेटा में से कुछ डेटा सिलेक्ट कर करके दूसरी शीट पे कॉपी करना है, तो आपको ऐसे नहीं करना कि यहाँ से एक रो सिलेक्ट किया, कॉपी किया कंट्रोल सी से, फिर किसी दूसरी शीट पे जाके पेस्ट किया, फिर से उसी शीट पे आए और फिर से अगला रिकॉर्ड कॉपी किया, फिर से जाके पेस्ट किया, ऐसे नहीं करना। तो एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्लिपबोर्ड का आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, होम टैब पे जाना है और यहाँ से क्लिपबोर्ड ओपन कर लेना है, यहाँ पे करने क्लिक, क्लिपबोर्ड हो गया ओपन। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए मुझे ये रिकॉर्ड चाहिए, मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, ये वाला चाहिए कंट्रोल सी, ये वाला चाहिए कंट्रोल सी, और ये लास्ट वाला चाहिए कंट्रोल सी, ठीक है। तो बस आपको अपनी सीट पे जाना है जहां पे भी डेटा आपको पेस्ट करना है, आप नई वर्कशीट में भी जा सकते हो, नई वर्कबुक में भी जा सकते हो, आपको एक क्लिपबोर्ड ओपन मिलेगा, आपको जहां भी डेटा पेस्ट करना है क्लिक कर दीजिए और यहां पे पेस्ट ऑल का ऑप्शन है, ये देखिए जो जो डेटा आपने कॉपी किया था वो पूरा डेटा यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से क्लिपबोर्ड की ट्रिक का आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास ये बहुत सारा डेटा है, अब देखिए डेटा अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो हेडिंग ऊपर दिखाई नहीं दे रही। तो हेडिंग्स को फ्रीज करने के दो तरीके हैं, एक तो है फ्रीज पेन का यूज करके, एक दूसरा है बहुत स्मार्ट। तो फ्रीज पेन से हम रो को कैसे फ्रीज करेंगे, आपको डेटा में कहीं भी क्लिक कर लेना है, व्यू टैब पे जाना है, यहाँ पे फ्रीज पेन का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे अभी एक ही रो ऊपर वाली रो मुझे फ्रीज करनी है, तो यहाँ पे ऑप्शन है फ्रीज टॉप रो, इस पे हम क्लिक कर देंगे तो ऊपर वाली रो फ्रीज हो गई। आप देखिए यहाँ से 23 वाली रो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो ऊपर वाली जो रो है वो फ्रीज हो गई है। अगर आपको एक से ज्यादा रो फ्रीज करनी है तो आप इस तरह से सिलेक्ट कर लेना, इससे ऊपर की सारी रो फ्रीज करनी है तो फ्रीज पेन पे जाके यहाँ पे फ्रीज पेन पे क्लिक कर दोगे। अभी यहाँ पे अनफ्रीज पेन आ रहा है तो मैंने अनफ्रीज पेन कर दिया, अभी यहाँ पे कोई भी रो जो है फ्रीज नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको मान लीजिए इससे ऊपर की सारी रो फ्रीज करनी है तो फ्रीज पेन पे जाओगे और यहाँ पे फ्रीज पेन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये तो था फ्रीज पेन से करने का तरीका। सबसे पहली रो फ्रीज करने का एक और स्मार्ट तरीका आप देखिए, आपको करना क्या है, सारा डाटा कर लेना है सिलेक्ट, कंट्रोल ए से सारा डाटा कर लिया मैंने सिलेक्ट, कंट्रोल टी प्रेस करके इसको टेबल फॉर्मेट में बदल देना है, माई टेबल हैज हेडर्स पे टिक लगा के रखना है, ओके कर देना, काम हो गया। अभी देखिए यहाँ पे मैं इनका जो हाईलाइट कलर है ये चेंज कर देता हूं, तो मैंने यहां से चेंज कर दिया, मान लीजिए ये वाला लगा दिया, ठीक है, और यहां से फॉन्ट कलर मैंने कर दिया ब्लैक। अभी देखिए ऊपर वाली रो ये है, अब मैं अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बी सी डी इस तरह से आ रहा है। अगर मैं नीचे जाता हूँ ये देखिए, तो हेडिंग कहाँ गई, हेडिंग कॉलम नेम की जगह पे आ गई, यहाँ पे देखिए मार्क्स कोर्स नेम आईडी। तो इस तरह से ये स्मार्ट ट्रिक आप यूज कर सकते हो अगर आपके डेटा में केवल एक ही रो है तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो ये एक ही जो टॉप रो होगी उसकी जो हेडिंग्स होंगी वो आपके यहाँ पे आ जाएंगी अगर आप अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लोगे तो। यहाँ पे ऊपर से तो हम रोज को फ्रीज कर सकते हैं, बट नीचे से अगर हमें कोई रो फ्रीज करनी हो तो वो कैसे हम करेंगे। मेरे पास इस डेटा में नीचे टोटल रो है और मैं चाहता हूँ कि टोटल वाली रो यहाँ पे फ्रीज रहे, तो ये काम कैसे होगा, आपको जाना है व्यू टैब पे, यहाँ पे एक ऑप्शन है स्प्लिट का, इस पे क्लिक कर दीजिए तो इस तरह से जो ये लाइनिंग आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है, इसको आप साइड में कर दीजिए और यहां से इसको पकड़ के नीचे ले आइए इस तरह से, ठीक है। अब ये अलग अलग जो है विंडो यहाँ पे स्प्लिट हो गई है, नीचे वाली जो है इसमें आप अपनी टोटल वाली रो को सिलेक्ट कर लीजिए, जहां पे भी वो टोटल रो है, ये कौन सी रो है, ये है आपकी 124, तो यहाँ पे आप 124 को ले आइए, ये हमारी टोटल रो यहाँ पे आ गई। अब ऊपर कहीं भी क्लिक कर लीजिए डेटा को, आप ऊपर नीचे कहीं स्क्रॉल करोगे तो ये टोटल रो यहीं पे फ्रीज रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है नीचे से भी रो को फ्रीज कर सकते हो और इसी तरह राइट से भी कर सकते हो। अगर आपको ये स्प्लिट हटाना है तो यहाँ पे स्प्लिट ऑप्शन है व्यू टैब पे, इस पे फिर से क्लिक कर दीजिए तो ये जो है यहाँ से हट जाएगा। इस तरह से इस ट्रिक का आप यूज कर सकते हो।
मेरे पास ये दोस्तों बहुत सारा डेटा है, अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा ना तो देखिए क्या होगा। मैंने कंट्रोल पी प्रेस किया तो आप देखिए पहले पेज पे तो हेडिंग्स जो हैं आ रही हैं, बट अगर मैं यहाँ से अगले पेज पे जाऊंगा तो यहाँ पे हेडिंग प्रिंट में नहीं आएंगी। तीसरे पेज पे जाऊंगा तो यहाँ पे भी हेडिंग प्रिंट में नहीं आएंगी। अब आप यहाँ पे जो रो या बॉटम रो, टॉप रो या बॉटम रो फ्रीज करोगे वो तो केवल आपको यहीं पे दिखाई देंगे, बट अगर आपको प्रिंट में भी ऊपर वाली रो जो है करानी है, आप चाहते हो कि हर एक पेज पे हेडिंग्स आपकी प्रिंट में आए, तो इसके लिए बस आपको सिंपल एक काम करना है, पेज लेआउट टैब पे जाना है और प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करना है। यहां पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा रो टू रिपीट एट टॉप, इस बॉक्स में करना है क्लिक, और जिस बॉक्स में जिस रो में आपकी हेडिंग्स है ना उसको आप सिलेक्ट कर दीजिए। इसको मैंने कर दिया है सिलेक्ट, ओके कर दिया, अब हमारा काम हो गया है। अगर मैं कंट्रोल पी करूंगा यहां पे प्रीव्यू देखूंगा तो देखिए यहां पे हेडिंग पहले पेज पे आ रही है, और यहां से अगर मैं सेकंड पेज पे गया तो यहां पे भी हेडिंग्स आ रही हैं, थर्ड पेज पे जाऊंगा तो यहां पे भी हेडिंग्स आ रही हैं। तो इस तरह से आप हेडिंग्स को भी सभी पेजों पे प्रिंट कर सकते हो। अगर हमें एक्सेल में केवल सिलेक्ट किए हुए डेटा को ही प्रिंट करना हो तो ये काम कैसे होगा आप देखिए। मैंने डेटा कर लिया है सिलेक्ट, मुझे केवल ये डेटा प्रिंट करना है, तो पेज लेआउट टैब पे जाएंगे, यहाँ पे प्रिंट एरिया का ऑप्शन मिल जाएगा, सेट प्रिंट एरिया कर देंगे, और अब आप देखिए कंट्रोल पी करके तो यहाँ पे केवल वही डेटा प्रिंट में आएगा जो डेटा आपने सिलेक्ट किया है। ये हटाने के लिए आपको करना क्या होगा, प्रिंट एरिया पे जाइए, क्लियर प्रिंट एरिया कर दीजिए, तो यहाँ पे अब सारी सीट आपकी होगी प्रिंट। एक्सेल में डेटा हाइड कैसे होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं डेटा को करते हैं सिलेक्ट और यहां से कलर कर देते हैं व्हाइट, मतलब डेटा हाइड हो गया, ठीक है। ये सही तरीका नहीं है डेटा हाइड करने का, आपको एक काम करना है, जो भी डेटा हाइड करना है उसको कर लेना है सिलेक्ट, कंट्रोल वन प्रेस करना कीबोर्ड से या फिर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाना है, यहाँ पे कस्टम पे जाना है और यहाँ जनरल को हटा के तीन बार सेमी कॉलन लगा देना है तो आपका काम हो जाएगा। तीन बार सेमी कॉलन लगा दीजिए, ओके कर दीजिए, तो जो भी रेंज आपने सिलेक्ट किया है वहां पे डेटा दिखाई नहीं देगा। बेशक आप यहाँ पे कोई भी कलर लगा देना, अगर आपको ये हटाना है तो फिर से आपने रेंज करनी है सिलेक्ट, जहाँ पे लगाया था कंट्रोल वन प्रेस कर लेना, और यहाँ पे ये तीन सेमी कोलन जो आपने लगाए थे इनको हटा देना, तो ये देखिए यहाँ पे ओके करने के बाद आपका जो डेटा है वो फिर से दिखाई दे जाएगा। ये तीन सेमी कोलन जो आपने लगाए थे इनको हटा देना, तो ये देखिए यहाँ पे ओके करने के बाद आपका जो डेटा है वो फिर से दिखाई दे जाएगा। अगर हमें एक्सेल शीट में डेटा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है तो इसके लिए कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस डेटा करना है सिलेक्ट और कोने से इसको पकड़ के कहीं भी आप जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, वहीं पे ये डेटा शिफ्ट हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप डेटा को बड़ी आसानी से मूव कर सकते हो। यहाँ पे ये जो डेटा है ये इस तरह से लिखा हुआ है, कॉलम में एम्प्लॉय आईडी है और कॉलम में इस तरह से नेम्स लिखे हुए हैं। अगर मुझे इस डेटा को कन्वर्ट करना है, मतलब इसका ट्रांसपोज करना है कि एम्प्लॉय आईडी ऐसे की जगह पे ऐसे आ जाए और नेम उसके नीचे इस तरह से आ जाए, तो इसका हम आसानी से ट्रांसपोज कर सकते हैं। कैसे, बस डेटा को करना है कॉपी, कंट्रोल सी, और जहां पे भी आपको रिजल्ट चाहिए वहां पे क्लिक कर लीजिए, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे ट्रांसपोज का ऑप्शन मिल जाएगा, टिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे जो डेटा है ये कॉलम की जगह इस तरह से रो में चला गया है। यहाँ पे ना मुझे डेट्स की सीरीज फिल करनी है, बट स्टार्ट डेट मेरे पास ये है और इसके बाद अगले 70 दिन की डेट्स मेरे को यहाँ पे फिल करनी है, या मान लीजिए 200 डेज की फिल करनी है या पूरे 500 डेज की फिल करनी है, तो वो आप कैसे करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपको बार बार चेक करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा। एक ट्रिक है जिसका आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे आपको टाइप करना है 1, ठीक है, आप यहाँ पे दोबारा से क्लिक कर लीजिए, फिल पे जाइए होम टैब पे और यहाँ सीरीज पे जाइए,
ठीक है, यहाँ पे स्टॉक वैल्यू आप लिखिए कि आपको कितने डेज की यहाँ पे डेट्स फिल करानी है। मान लीजिए 70 डेज की फिल करानी है, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 70 और यहाँ से कॉलम कर लेना है सिलेक्ट, ओके कर देना है। तो यहाँ पे 1 से लेके 70 तक सीरीज फिल हो गई इस कॉलम में। अब आपको यहाँ पे बस कोने पे डबल क्लिक कर देना है, तो आप देखोगे यहाँ पे अगले 70 डेज के लिए डेट्स ऑटोमेटिक फिल हो गई हैं। अब ये जो सीरीज आपने फिल की थी इसको आप डिलीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ट्रिक है जिसका आप यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए मुझे क्या करना है, इस डेटा में बीच बीच में एक एक ब्लैंक रो ऐड करनी है। तो इसका सिंपल सा फंडा है, आपको यहाँ पे हेल्पर कॉलम में आना, या तो आप यहाँ पे आ जाइए या फिर यहाँ पे आ जाइए, एक ही बात है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप किया 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। अब आपको करना क्या, जहां तक आपका डाटा है वहां तक ये सीरीज फिल कर लीजिए, हो गई यहाँ तक। इसको कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट कर दीजिए Ctrl V। अब आपको एक काम करना है, यहाँ पे कोई भी हेडिंग आप डाल लीजिए, मान लीजिए हेल्पर आपने डाल दिया। अब यहाँ पे फिल्टर लगा देना है, Ctrl Shift L प्रेस करना है, तो फिल्टर लग गया। अब इस कॉलम से इस डेटा को सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। ये देखिए बीच में एक एक रो ब्लैंक ऐड हो गई है। इस कॉलम को बेसक आप कर दीजिए डिलीट और यहाँ से सारा डेटा कर लीजिए सिलेक्ट और बॉर्डर आप लगा लीजिए, ठीक है। जहां तक भी आपका डेटा है आप उसको सिलेक्ट करके बॉर्डर लगा दीजिए, ऑल बॉर्डर। अब आप देखोगे बीच बीच में एक एक ब्लैंक रो ऐड हो गई है। यहाँ पे पिन कोड में सेल ब्लैंक है, मुझे क्या करना है, मान लीजिए डेटा बहुत ज्यादा होगा तो ब्लैंक सेल्स हाईलाइट करनी है। तो इसके लिए सिंपल सा फंडा है, आपको कॉलम कर लेना है सिलेक्ट जहां पे ब्लैंक सेल्स आपको हाईलाइट करनी है। कीबोर्ड से प्रेस करना है F5 और यहाँ पे स्पेशल पे जाना है और ब्लैंक पे टिक लगाना है, ओके कर देना है, तो ब्लैंक सेल हो गई सिलेक्ट। अब यहाँ से कोई भी फिल कलर आप लगा दीजिए, ये देखिए कोई भी फिल कलर लगा दीजिए, तो आपके सेल जो है ब्लैंक सेल वो हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ पे ना पिन कोड में सेल फिर से ब्लैंक है, हमें क्या करना है, जिसका पिन कोड एंटर नहीं किया हुआ उसका पूरा रिकॉर्ड कर दीजिए डिलीट, ठीक है। पूरा रिकॉर्ड उसका डिलीट करना है जहां पे पिन कोड एंटर नहीं किया हुआ। तो करना क्या है, बस सिंपल यहाँ पे फिल्टर लगा लीजिए, लगा हुआ फिल्टर, और यहाँ पे जाइए और ब्लैंक्स को फिल्टर कर लीजिए, ब्लैंक्स पे टिक लगा के ओके कर दीजिए, तो यहाँ पे ब्लैंक रिकॉर्ड आपके सामने आ गए। यहाँ से इन रोज को सिलेक्ट करके कर दीजिए डिलीट, डिलीट रो। इसके बाद यहाँ फिर से जाइए और सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, तो काम हो गया। यहाँ पे ना आप देखिए कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर नहीं किए गए हैं, सेल ब्लैंक हैं। हमें क्या करना है, जो सेल ब्लैंक है ना उनमें एब्सेंस लिखना है या ए लिखना है या कुछ और लिखना है, ब्लैंक सेल्स को फिल करना है किसी एक वैल्यू से। तो कैसे होगा देखिए, यहां से ये मार्क्स हम कर लेंगे सिलेक्ट, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F5 की, यहाँ पे जाएंगे स्पेशल पे और यहाँ से ब्लैंक्स पे टिक लगा के ओके कर देंगे। अभी कुछ नहीं करना, ब्लैंक सेल्स में आपको क्या टाइप करना है, ए, एब्सेंस या कुछ और। तो यहाँ पे बस सिंपल आप टाइप कर दीजिए, ये देखिए ये टाइप हो गया एक सेल में। कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के रखो और एंटर प्रेस कर दीजिए, सभी ब्लैंक सेल्स में ए फिल हो गया, ये आप देख सकते हो। अगर हमें किसी कॉलम में से डुप्लीकेट वैल्यूज को डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए मुझे यहाँ से इस कॉलम में से डुप्लीकेट वैल्यूज को डिलीट करना है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी 100 है, तो कई बार यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ से हमें डिलीट करनी है। तो सिंपल सा फंडा है, रेंज कर लेंगे सिलेक्ट, डेटा टाइप पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट का, क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज जो थी वो डिलीट हो गई हैं। डुप्लीकेट एंट्रीज को या वैल्यूज को कैसे हाईलाइट करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने ये रेंज कर ली सिलेक्ट, मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज हाईलाइट करनी है। तो सिंपल सा फंडा है, रेंज सिलेक्ट करके जाएंगे होम टैब पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट वैल्यूज, क्लिक कर दीजिए और यहाँ से कोई भी कलर आप कर सकते हो सिलेक्ट, ओके कर दीजिए, तो काम हो गया। यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट वैल्यूज हाईलाइट हो गई है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर फिर से एंट्री करूंगा, मैंने यहाँ पे टाइप किया 1, यहाँ पे
बेटा केटू। अगर मैं यहाँ पे फिर से वन टाइप करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे सेल हाईलाइट हो गई कि डुप्लीकेट एंट्री आपने कर दी है। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट एंट्रीज को हाईलाइट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखिए इस वर्कबुक में ना टोटल 5 शीट्स हैं। अब मुझे क्या करना है, इनमें से केवल इस शीट का डाटा, इस शीट 3 का डाटा एक नई वर्कबुक में लेके जाना है। मतलब मुझे ये जो शीट है ना ये किसी दूसरी नई वर्कबुक में मूव करानी है एक शीट। फिर मान लीजिए मुझे उसको मेल करना है किसी को या किसी को देना है, तो ये काम कैसे करेंगे। तो अभी मैं शीट 3 का डाटा एक नई वर्कबुक में लेके जाऊंगा, तो करूंगा क्या, शीट 3 टैब पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऑप्शन है मूव और कॉपी, क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट ए कॉपी। अगर मान लीजिए इसकी कॉपी क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आप क्रिएट ए कॉपी पे टिक लगा दीजिए। इससे होगा क्या, ये शीट यहाँ पे भी रहेगी और नई वर्कबुक में भी चली जाएगी। अगर आपको ये यहाँ से मूव करानी है नई वर्कबुक में तो उस केस में यहाँ पे टिक नहीं लगाना है, ठीक है। तो मैं भी क्या करता हूँ, इसकी कॉपी क्रिएट करके नई वर्कबुक में लेके जाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे टू बुक, यहाँ पे आपको न्यू बुक पे क्लिक कर देना है, न्यू बुक, बस ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक नई वर्कबुक आ गई है और इसमें केवल वही शीट 3 का डाटा आ गया है। बहुत सारी शीट्स यानी बल्क शीट्स एक्सेल में कैसे हम एक क्लिक में इंसर्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने मंथ्स के नेम लिखे हैं, मुझे इन नेम से यहाँ पे शीट्स इंसर्ट करानी है एक क्लिक में। देखिए करेंगे क्या, आपको करना क्या है, जिन नेम से शीट्स यहाँ पे इंसर्ट करानी है ना वो नेम यहाँ पे टाइप कर लो, एक लिस्ट बना लो, मैंने बना ली, एक हेडर आपको डाल लेना है। आपको ये डेटा करना है सिलेक्ट और इंसर्ट टैब पे पिवट टेबल पे जाके पिवट टेबल में इसको कन्वर्ट कर देना है। एग्जिस्टिंग शीट पे पिवट टेबल बना दीजिए, यहाँ पे ओके कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे जो ये हेडर होगा मंथ्स यहाँ पे दिखाई देगा आपको, इसको पकड़ के रिपोर्ट फिल्टर में छोड़ दीजिए, बस काम हो जाएगा। इसको बेशक यहाँ से क्लोज कीजिए, यहाँ इस सेल पे क्लिक करना है, पिवट टेबल में आपको ऑप्शन वाले टैब पे जाना है और यहाँ पे ऑप्शंस पे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ओके करते यहाँ पे एक मैजिक हो गया, देखिए बहुत सारी सीट्स इंसर्ट हो गई हैं, ये देखिए है ना, जो नेम हमने दिए थे जैन फेब मार्च अप्रैल उन नेम से यहाँ पे सीट्स इंसर्ट हो गई हैं। बट यहाँ पे सभी सीट्स पे ये जो है लिस्ट मिलेगी आपको यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। इसको आप रिमूव करना चाहो तो कर सकते हो, पहली सीट पे क्लिक करो, शिफ्ट दबा के रखो और लास्ट वाली सीट पे क्लिक कर लो और नंबर 1 वाली रो को कर दीजिए डिलीट, यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर देना तो ये जो रो है वो हो जाएगी डिलीट, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी जो सीट्स है वर्कबुक में उनको कोई डिलीट ना कर पाए, नेम चेंज ना कर पाए, नई सीट ऐड ना कर पाए, तो इसके लिए आप अपनी वर्कबुक को लॉक कर सकते हो। आपको सिंपली जाना होगा रिव्यू टैब पे और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक, क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको विंडो एंड स्ट्रक्चर पे दोनों पे टिक लगा के पासवर्ड डाल देना है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो वर्कबुक है वो लॉक हो जाएगी, यहाँ पे ना तो नई सीट ऐड होगी, ना यहाँ से कोई सीट डिलीट होगी, ना किसी का नेम चेंज होगा, ना कोई सीट यहाँ से मूव एंड कॉपी होगी, मतलब ये सारे ऑप्शन यहाँ पे जो है लॉक हो जाएंगे। यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के मार्क्स हैं और इनका टोटल मैंने यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे सामने कोई वैल्यू नहीं है तो जीरो आ रहा है। अब आप क्या करते हो, जीरो को हटाने के लिए ना इसका फॉर्मूला लगाते हो। एक सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप जीरो को हाइड कर सकते हो, कैसे, देखिए यहाँ से ये रेंज मैंने की सिलेक्ट, कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+1 और यहाँ कस्टम पे जाना है, यहाँ जनरल को हटाना है, यहाँ पे पहले टाइप करना है जीरो और इसके बाद 3 बार सेमी कॉलन लगा दीजिए, 0 3 बार सेमी कॉलन, ओके कर दीजिए, यहाँ पे काम हो गया। अगर यहाँ पे हम वैल्यू एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए अपने आप रिजल्ट आता रहेगा, बाकी 0 आपको दिखाई नहीं देगी। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए मुझे क्या करना है, कॉलम्स को स्वैप करना है। मैं ये चाहता हूँ कि केमिस्ट्री वाला कॉलम मुझे आगे शिफ्ट करना है और ये बाकी इसके पीछे शिफ्ट करने हैं। तो एक सिंपल सा तरीका है, मैं यहाँ से इस कॉलम को कर लूंगा सिलेक्ट, कीबोर्ड से शिफ्ट की दबा के रखेंगे और इसको कोने से पकड़ के, यहाँ से पकड़ के इसको आगे पीछे कहीं भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, आप देखिए केमिस्ट्री का जो कॉलम था वो यहाँ पे आ गया है और ये बाकी पीछे शिफ्ट हो गई है। मान लीजिए मुझे फिजिक्स का आगे रखना है तो मैं कीबोर्ड से क्या करूंगा, शिफ्ट की को बाकी रखूंगा और इसको यहां से पकड़ के आगे शिफ्ट कर दूंगा। तो ये देखिए इस तरह से कॉलम्स को हम आगे पीछे स्वैप कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे आप देखिए मुझे क्या करना है, डेटा एंट्री करनी है, बट डेटा एंट्री हम करेंगे फॉर्म से। तो यहाँ पे मुझे डेटा एंट्री करनी है, मैंने हेडिंग्स यहाँ पे डाल ली हैं और ये थोड़ी सी एक रेंज मैंने ले ली है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से बस इसको सिलेक्ट करके पहले तो कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करके इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा। माई टेबल हैज हेडर, ओके कर दिया। तो ये जो फॉर्मेट था वो टेबल फॉर्मेट में आ गया। यहाँ से कोई भी फॉर्मेट हम लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे सिंपल सा कोई फॉर्मेट लगा लेता हूँ, ये वाला मैंने लगा दिया, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैंने बैंडेड रोसेटिक हटा दिया और इनका जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ, मैंने यहाँ से फॉन्ट कलर कर दिया ब्लैक। अभी ये जो इतनी रेंज थी ये टेबल फॉर्मेट में मैंने कन्वर्ट कर दी है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर एक फॉर्म का ऑप्शन मैंने ऐड कर रखा है, यहाँ पे एक फॉर्म का ऑप्शन ऐड कर रखा है। ये कैसे ऐड करना है आपको, आपको यहाँ पे जाना है क्विक एक्सेस टूल बार पे और मोर कमांड्स में जाना है, यहाँ से आपको ऑल कमांड्स पे जाना है और यहाँ पे फॉर्म का ऑप्शन आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पे हीरा फॉर्म का ऑप्शन, इस पे क्लिक करके इधर ऐड कर लेना, ठीक है, मैंने ऐड कर रखा पहले से ही। अब इसको मैं कर दूंगा यहाँ से क्लोज। अब इस टेबल फॉर्मेट में कहीं भी मैं करूंगा क्लिक और यहाँ फॉर्म पे कर दूंगा क्लिक, तो डेटा एंट्री के लिए फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे चार कॉलम है तो यहाँ पे चार बॉक्स आपको दिखाई देंगे। मैंने रोल नंबर डाला 1, टैब की प्रेस करके अगले उसमें आ जाएंगे हम बॉक्स में। फिजिक्स के मार्क्स 23, टैब प्रेस करके 34, टैब प्रेस करके 45, और यहाँ से हम क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे तो पहला रिकॉर्ड ऐड हो गया। इसी तरह यहाँ पे हम दूसरा रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये देखिए इससे डेटा एंट्री थोड़ी आसान हो जाती है। और फिर से न्यू, तो इस तरह से कभी भी आपको ये फॉर्म चाहिए तो इस रेंज के अंदर इस टेबल फॉर्मेट में कहीं भी क्लिक करके यहां फॉर्म पे क्लिक कर देना ऑप्शन पे, तो फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। तो इससे आप आसानी से जो है डेटा एंट्री कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए हम किसी एक्सेल फाइल में काम कर रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि वो फाइल हमने कहाँ पे सेव कर रखी है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि आपकी जो फाइल है वो आपके कंप्यूटर में कौन सी लोकेशन पे किस नाम से सेव है। तो फॉर्मूला क्या है, इक्वल सेल ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे डबल कोट्स में आपको टाइप करना है फाइल नेम, ठीक है, फाइल नेम आपको टाइप करना है। यहां से भी आप पिक कर सकते हो, टैब की प्रेस करके मैंने यहां से फाइल नेम पिक किया डबल कोट्स के अंदर और ब्रैकेट बंद कर दी, एंटर प्रेस करूंगा तो यहां पे आपकी वर्कबुक की पूरी लोकेशन आ जाएगी, यूजर्स, एसपी, डॉक्यूमेंट्स, और यहां पे बुक 1 एबीसी नाम से ये फाइल सेव है। ये है मेरे पास डेटा। अगर इस डेटा में से मैं इन दो कॉलम्स को हाइड कर देता हूं तो क्या होगा, देखिए मैंने हाइड कर दिए दो कॉलम। अब मेरे पास ये डेटा है, अगर इस डेटा को मैं सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी और किसी दूसरी शीट पे जाके पेस्ट करूंगा कंट्रोल वी, तो देखिए क्या हुआ, सारा डेटा आ गया, जो कॉलम मैंने हाइड किए थे ना वो भी यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे कॉलम हाइड करने का तो कोई फायदा हुआ नहीं है ना, क्योंकि जो डेटा हमने छुपा रखा है अगर हम कॉपी पेस्ट करेंगे किसी दूसरे बंदे के सामने तो सारा डेटा सामने आ जाएगा। अब ऐसे में सीक्रेट कॉपी आप कैसे करोगे ताकि जो डेटा आपका हाइड है वो विजिबल ना हो, तो आपको करना क्या है, डेटा करना है सिलेक्ट, ठीक है, कीबोर्ड से F5 की प्रेस करनी है और यहाँ स्पेशल पे जाना है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा विजिबल सेल्स ओनली, इसको टिक करना है, इस पे क्लिक करना है, ओके कर देना है, इसके बाद कॉपी करना है कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। अब आप जाके इसको पेस्ट कर दीजिए जहां पे भी आपको ये पेस्ट करना है, कंट्रोल वी, तो आप देखोगे जो डाटा आपका विजिबल था केवल वही यहाँ पे पेस्ट होके आ गया है। डेटा फिल्टर करना तो एक्सेल में सबको आता होगा, बहुत बेसिक सी चीज है, बट कई बार हमें छोटी सी ट्रिक की जरूरत पड़ जाती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये डेटा है, कोर्सेज की लिस्ट है, बहुत सारा डेटा, और यहाँ पे बहुत सारे मान लीजिए कोर्सेज के नेम है, ठीक है, ऐसे में अगर आप यहाँ पे फिल्टर लगा के लिस्ट में से कोई कोर्स सिलेक्ट करोगे तो उसमें टाइम लगेगा, आप किसी सेल पे क्लिक करके उसी से डाटा को फिल्टर कर सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे वर्ड पे क्लिक किया, मैं चाहता हूँ कि वर्ड का डाटा यहाँ पे फिल्टर हो जाए, तो बस सेल पे राइट क्लिक करना है, फिल्टर पे जाना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल वैल्यू, क्लिक कर दीजिए, तो ये देखिए इस तरह से भी डाटा फिल्टर कर सकते हो।
यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर और टेक्स्ट एक साथ सेल में लिखा हुआ है। अब मान लीजिए मुझे टेक्स्ट अलग करना है या नंबर अलग करना है तो कैसे हम करेंगे? अगर आपके पास एक्सेल 2013 है या इससे अबव वर्जन है, लेटर वर्जन है, तो आप ये काम चुटकियों में कर सकते हो। देखिए कैसे मैंने क्या किया, इस सेल में क्लिक किया, यहाँ पे मुझे मान लीजिए नंबर निकालना है, तो इस सेल में जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें से नंबर चुन चुन के आप यहाँ लिखो। पहले क्या है नंबर 2, फिर 3, फिर 3, 3, फिर 4, फिर 4 एंड 3। एंटर प्रेस कर दीजिए। अभी हमने क्या किया, इसमें से नंबर चुन चुन के यहां लिख दिया, एंटर प्रेस कर दिया। कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए कंट्रोल ई, फ्लैश फिल का मैजिक आप देखिए। एक्सेल समझ गया कि इसमें से नंबर अलग निकालना है, तो यहाँ पे सारे नंबर अलग निकल के आ गए। इसी तरह टेक्स्ट को आप निकाल सकते हो, मान लीजिए यहाँ पे टेक्स्ट निकालना है तो इस सेल में से ए डी एफ एच जी जो भी है उसको आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, एंटर करके यहाँ पे आ जाओगे, कंट्रोल ई प्रेस कर देना तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये बहुत काम की चीज है फ्लैश फिल। अब इसका एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट नेम है अनिल, यहाँ पे कुमार है। अब दोनों को ज्वाइन करने के लिए आप एंड का फॉर्मूला लगाओगे या कॉन्केटिनेट का फॉर्मूला लगाओगे, बट फ्लैश फिल से ये मैजिक चुटकियों में होगा। देखिए मैंने यहाँ पे पहले टाइप किया अनिल, इस सेल की वैल्यू, फिर स्पेस देके इस सेल की वैल्यू, मतलब यहाँ पे क्या लिखा, कुमार, KUMAR, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे तो देखिए मैजिक हो गया, फ्लैश फिल का एक्सेल अपने आप समझ गया कि इन दोनों सेल्स को ज्वाइन करके यहाँ पे लाना है। तो ये थी दोस्तों एक्सेल की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो बेसिकली हर ऑफिस में बहुत ज्यादा काम आती हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके जरूर काम आएंगे।